सो गाइज वेलकम बैक। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल कहां कहां से सेंसर बोर्ड वाले निकल रहे हैं एंड एक के बाद एक अपना जबरदस्ती की फालतू की बातें करते हैं। अब देखो रिसेंटली हम लोगों ने यहां पे जवान का अर्ली सेंसर रिव्यू शेयर किया था एंड वो मुझे पर्सनली किसी हद तक सही लगता है। लेकिन अगर बात करते हैं रिसेंटली, सो गाइज रिसेंटली ना यहां पे मैंने कल ही के दिन वैसे तो भाई साहब यहां पे मैंने एक रिव्यू देखा जवान को लेकर के। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भाई साहब सिंगापुर सेंसर बोर्ड की तरफ से किसी ने देखा है और उसका रिव्यू शेयर किया और बहुत घटिया रिव्यू शेयर किया। लिटरली मतलब इतना बकवास रिव्यू शेयर किया है कि मुझे लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से भाई साहब धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की इसने जवान की। अब देखो यार मूवी कैसी भी होगी वो तो धीरे धीरे मालूम पड़ी जाएगी। थर्सडे के दिन मूवी आ रही है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। मेरे हिसाब से अब ये जो कोशिशें की जा रही है फालतू की रीच पाने की कोशिशें की जा रही है, बाकी इस रिव्यू के अंदर पर्सनली मुझे बिल्कुल गम नहीं। मैं इस रिव्यू को पढ़ना भी नहीं चाहता, सिंपल सी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू के अंदर क्या लिखा है, पूरी तरह से मतलब मूवी की धज्जियाँ इसने उड़ा दी है। मतलब ऐसा बोल दिया कि ये पूरी तरह से टॉर्चर है, फालतू है, बकवास है, इसको आप बिल्कुल सह नहीं सकते 3 घंटे, इतनी बकवास थर्ड क्लास मूवी है। एंड मेरे हिसाब से जो रिव्यू है पूरी तरह से फालतू रिव्यू है, क्योंकि गाइस सिंपल सी बात है हमसे भी जानता है एटली कुमार का डायरेक्शन कितना भी लो हो सकता है बट इतना बेकार नहीं हो सकता कि उसको कोई 1 स्टार की रेटिंग दे। भाई एटली कुमार के ऊपर हर किसी को भाई विश्वास है एंड ऊपर से भाई इसके अंदर नयन थारा है, विजय सेतुपति, थालापति का कैमियो होने वाला है, इतनी बड़ी बड़ी कास्टिंग है, दीपिका पादुकोण है, शाहरुख खान है, यार हम सब जानते हैं। देखो मूवी ऊपर नीचे हो सकती है बट इतना घटिया तो भाई कभी भी नहीं हो सकता। एंड ये टोटली और आपको बता दे गाइस यहाँ पर रिसेंटली शाहरुख खान के कुछ फैंस क्लब ने इस चीज़ से क्लैरिटी दी थी कि अभी तक ओवरसीज के अंदर या फिर कहीं पर भी इस मूवी की स्क्रीनिंग नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये कि भाई साहब ये पूरी तरह से बकवास बात है एंड इसके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो यार मैं शाहरुख खान का फैन नहीं हूँ बट इसका मतलब ये नहीं कि फालतू में हेट फैलाया जाएगा, जो बातें क्लियर है। और मैं अगर एडवांस बैंक के ऊपर शक करता हूँ तो उसके पीछे एक रीजन है गाइस। फिलहाल के समय अगर बात करते हैं गाइस जो यहाँ पे एडवांस बैंक के लेटेस्ट रिपोर्ट निकल करके हैं भाई साहब, यहां पे आंकड़ा पार हो चुका है 21 करोड़ प्लस। यस 21 करोड़ प्लस भाई साहब यहां पे आज 5 सितंबर की मॉर्निंग तक भाई साहब आंकड़े कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ये आंकड़े बहुत बड़े लिटरली मतलब बहुत बड़े आंकड़े हैं। लेकिन यार जब मैं इन आंकड़ों को देखता हूँ 21 करोड़ गाइस, 10 करोड़ नहीं, 12 करोड़ नहीं, 15 करोड़ नहीं भाई साहब यहाँ पे आंकड़े हो चुके हैं 21 करोड़ के एडवांस बिंग फी। मेरा ध्यान जाता है भाई साहब यहाँ पे फिर एक बार मुंबई दिल्ली पुणे गाइस, मुंबई दिल्ली पुणे। अब आप बोलो कि मुंबई दिल्ली पुणे बार बार क्यों नाम लेते हो, यार सिंपल सी बात अभी समझो, शाहरुख खान मुंबई का, शाहरुख खान इंडियन एक्टर, शाहरुख खान ने मुंबई के अंदर इतना बड़ा सुपरस्टार बना, क्या लगता है शाहरुख खान की मुंबई के अंदर भाई साहब यहाँ पे स्टारडम ने क्या उनकी मूवी को लेकर क्रेज नहीं है? भाई सबसे ज़्यादा क्रेज कहीं ना कहीं शाहरुख खान की मूवीज़ को मुंबई के अंदर लोग सपोर्ट करते हैं एंड ये रियलिटी है। दिल्ली भाई, दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे लगभग हर मूवी, जितनी बॉलीवुड की मूवीज़ आती हैं सबसे ज़्यादा कलेक्शन अक्सर दिल्ली से करते हैं भाई साहब, दिल्ली हो गया। पुणे भाई, पुणे बहुत ज़बरदस्त तरीके सपोर्ट करता है, पुणे में मतलब मूवी लवर्स भरे पड़े हैं एंड जब भी मूवी कलेक्शंस करती है पुणे बहुत बड़ा योगदान करता है अपने कलेक्शंस के मामले में। लेकिन फिलहाल के समय जब भी मैं बात करता हूँ गाइस एडवांस बुकिंग 21 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, लिटरली 21 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है एंड ये टोटली एंड टोटली मैं बोल सकता हूँ फेक है, बहुत बड़ा फेक इसमें झोल है। मूवी कैसी भी होगी फर्क नहीं पड़ता, मूवी अच्छी हो सकती है, मूवी थोड़ा कम अच्छी हो सकती है बट सिंपल सी बात है गाइस ये जो आंकड़े 21 करोड़ इसमें झोल 110% है। मैं आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को खुले तौर पर बोल सकता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर मैं आपको साइड में दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस, आप एक बार प्लीज़ इसको चेक करिए कि मुंबई के अंदर शोज आप देखिए, ऑरेंजेस छोड़ो भाई मैं तो बोलता हूँ ग्रीन यहाँ पे देख लो, कितने सारे ग्रीन आपको दिखा, मतलब पब्लिक टिकट खरीद ही नहीं रही मुंबई के अंदर, इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको हरियाली दिखाई दे रही पूरी, मतलब क्यों भाई साहब। मुंबई के अंदर लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा एडवांस बिंग हो चुका है, दिल्ली के अंदर 2-2.5 करोड़ के आसपास एडवांस बिंग हो चुका है एंड उसके बावजूद मुंबई के अंदर इतने बुरे हाल है, लिटरली इतने ज़्यादा बुरे हाल है कि इसको देख करके आप यकीन नहीं कर सकते कि शाहरुख खान की फिल्म है एंड ऊपर से भाई साहब यहाँ पे 21 करोड़ की एडवांस बुकिंग इसी मूवी का हुआ है। 21 करोड़ की एडवांस बुकिंग कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है एंड 21 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई है भाई साहब यहाँ पे 2 दिन बाद मूवी आ रही है, आज 5 तारीख है, 6 तारीख, 7 तारीख को मूवी आ रही है भाई साहब यहाँ पे आप देखिए इतना बुरा सिचुएशन, लिटरली 21 करोड़ कैसे हो गया फिर, इतना बड़ा अमाउंट अगर आपकी मूवी कर चुकी है तो यहाँ पर मुंबई जैसे सिटी के अंदर जहाँ पे मूवीज़ अक्सर दबा के कलेक्शंस करती भाई क्यों हमको ऑरेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जब गदर आता है भाई साहब OMG 2 जैसी छोटी सी मूवी जिसको इतने शोज भी नहीं मिले थे, इतनी बड़ी एडवांस बुक नहीं होती, उसके बावजूद वो लोग ने अच्छा खासा ऑरेंजेस दिखाए थे बट भाई साहब यहाँ पे जितने शोज इसको मिले हैं एंड जितने यहाँ पे ऑरेंजेस आप देख सकते हैं, हरियाली हरियाली भाई साहब आज भरी हुई है एंड आई एम श्योर
कुछ तो भाई साहब घोटाला है। एंड वही बात हो जाती है कि भाई साहब बोलते हैं ना कि पहले ऑडियंस को दिखाओ, ऑडियंस को ललचाओ, एंड ललचाने के लिए खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये भाई साहब रियलिटी है। और दिल्ली भी आ सकते हैं भाई साहब, दिल्ली में भी आप परेशान हो जाएंगे, आपको हरियाली हटने का नाम ही नहीं लेगी। मतलब इतने सारे दबा करके लोग पब्लिक टिकट खरीद ही नहीं रही है, जबकि दिल्ली के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा एडवांस बुकिंग हो चुका है। भाई किधर पैसे जा रहे हैं यार, 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी दिल्ली में हो चुकी है, 21 करोड़ की ऑल ओवर हो चुकी है, पुणे के अंदर सेम सीन है। और उसके बाद लोग बोलते हैं कि यार आप हेट फैला रहे हो। भाई आप खुद एक बार दिमाग नॉर्मल से लगाओ, अगर इसकी एडवांस बुकिंग आज के समय 8 करोड़ 10 करोड़ होती ना, तो मैं एक टाइम पे एग्री कर लेता कि चलो ठीक है यार, चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन 21 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, 21 करोड़, ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है भाई, बहुत बड़ा रकम है। एंड इतनी बड़ा रकम होने के बाद भी जब बुक माई शो के ऊपर मैं देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। लोग बोलते हैं दिल्ली और चेन्नई में देखो कोलकाता, भाई चेन्नई कोलकाता हैदराबाद से मूवी कमा लेगी क्या लगता है? मुंबई दिल्ली ये सब क्या झाड़ू मारने के लिए? सीरियसली थोड़ा तो लॉजिक लगाओ यार। भाई यहाँ पर घोटाला है, एंड लिटरली गाइस 110% घोटाला है। यहाँ पे बड़ा स्कैम किया जा रहा है इस मूवी के अंदर, एंड आई थिंक धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो मूवी बड़ी ओपनिंग मारेगी, हमें पास सब तो मालूम पड़ चुका है भाई, 21 करोड़ के एडवांस में लोगों ने दिखा दिया। इट मीन सिंपल सी बात है, मूवी आराम से 60-70 करोड़ आराम से ओपनिंग लेगी और ये हो करके रहेगा। अब उसके अंदर सच्चाई कितना होता है और फालतू का कॉरपोरेट कितना होता है, वो तो भाई जब धीरे धीरे चीज़ें साफ़ होने शुरू होंगी तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन भाई साहब अभी के समय एडवांस बिंग के अंदर बहुत बड़ी भाई साहब फ्रॉडगिरी चालू है, एंड लिटरली ऑडियंस के साथ यहाँ पे बोलते हैं ना धोखा हो रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। बाकी मूवी देखो आपकी चॉइस है, मूवी देखो, मूवी को एंजॉय करो, मूवी अच्छी रहेगी और दबा करके देखो। मैं तो बोलता हूँ 3 बार 4 बार 5 बार देखो, मूवी सुपर हिट कर दो, ब्लॉकबस्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नंबर्स का खेल आखिर क्यों खेला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं टेंशन वाला चीज़ है, एंड आई थिंक इसके ऊपर हर किसी को सोचना चाहिए। सो प्लीज़ एक बार सोचो। और बाकी फेक रिव्यूज़ हैं, फेक रिव्यूज़ को हटाओ साइड में, मूवी ठीक ठाक रहेगी मुझे पर्सनली उम्मीद है इस चीज़ से। बाकी एडवांस बुकिंग तो भाई साहब 110% फिलहाल के समय गलत ही गलत आ रहे हैं, फेकम फेकाई चालू नंबर्स का। जो भी लगता है कमेंट को चैनल पर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।